देख बीजे भाई ये निकल जाएगी, कोई इशू नहीं है। अरे रे, अरे रे, अरे रे, ऐसे करके ना। अब इसमें भी मेरे को बदनाम कर दो तुम। हाँ So, जी शाम के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7। वीडियो मैंने अपलोड कर दिया तो वो आपने देख लिया होगा। आज एक्चुअली मैंने 2 वीडियो अपलोड किए। तो अब गाड़ी में यहाँ पे ना, एक्चुअली ये हाइट पे लगा था तो गाड़ी यहाँ से निकालते हैं और देखते हैं दिग्विजय भैया हमें क्या दिखाते हैं। भैया हम कहाँ जा रहे हैं अभी? गढ़सीसर लेक। ओके, तो ये मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब भैया को हमने कहा कि भैया हमें गाइड करे, तो जीपीएस लगाने की जरूरत नहीं है जब तक हम जैसलमेर में बोट राइड करेंगे। छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तनोट माता मंदिर यहाँ से कितनी दूर है? वो भी तो जैसलमेर में ही आता है। हाँ, हम जाएंगे ना वहाँ पे। हाँ, लौंगे वाला एंड तनोट माता जाएंगे जाएंगे अपन। मतलब जैसलमेर तो ये है ना कि अराउंड 85 कंट्रीज से बड़ा है, मतलब लैंडस्केप वाइज। अच्छा, 85 कंट्रीज से बड़ा है। 8:30 बजे तक यहाँ पे बोटिंग चालू रहती है और हम आ गए जी टाइम से, 7 बजे तक पहुँच गए हम। और कुछ शॉप्स हैं, लेदर का बहुत काम होता है ना यहाँ पे। लेदर का बहुत काम होता है, एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। तो जी आ गए हम बोटिंग करने। भैया ने कहा अंधेरे में मत जाना, अब पता नहीं क्यों कहा है। मैंने तो लाइफ जैकेट नहीं पहना है, लेकिन ना अब एक्सरसाइज हो जाएगा। सुबह जितनी गर्मी लग रही थी ना, अभी बिल्कुल भी नहीं लग रही। मतलब हाँ, फिश तो होगी। तुम इतना मतलब फिश तो होगी ना शोना, तो गजब कर रहे हो। तो गर्मी सीरियसली नहीं लग रही यार, बहुत ही अच्छा वेदर हो गया, बहुत ही हवा अच्छी बह रही है। एक्चुअली पूरा वाटर है और ये बहुत बड़ा लेक है। अभी रात में तो कुछ नहीं दिख रहा, मतलब जहाँ हम तो बहुत आगे अंधेरे तक गए जबकि भैया ने मना किया था। अरे शौक है तुमको, नहीं खाने पक्का? ठीक है, तो हम यहाँ गोलगप्पे खाने रुक गए थे भाई। फिर गोलगप्पे तो गोलगप्पे हैं, मजेदार है। बट पुदीना का पानी है, इमली का पानी रहता तो और टेस्टी है, मस्त है ना। हेलो लो लो, आज वेदर अच्छा हो गया ना शाम में, अभी उतना अच्छा। ऊपर और है? हाँ, तो फिर ऊपर चलते ना, टॉप फ्लोर पे। तो ये रेस्टोरेंट है एंड इसके ऊपर अपन यहाँ पे आके बैठे मस्त गाने। हम तो स्पीकर्स ले आए और सामने यहाँ से फोर्ट का पूरा नजारा आ रहा है। मतलब ये देखो, सारी चीजें हैं ना, गॉड मुझे सारे एक ही दिन में खिला दोगे क्या? इसकी येलो सब, सब सब वेज है ना जी? तो ये नॉन वेज है अपना, तो भाई कंसंट्रेशन इसी पे है। पालक मटन के अलावा यहाँ पे जो भी डिश है वो सब वेज। तो जी अपनी गाड़ी वहाँ पे, आज हम उसको नहीं लेके जाने वाले। आज हम जाने वाले थार लेके, और कहाँ जा रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में आपको बता दें, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। तो जी आ गए हम थार में, और नई थार यार चलाने का मजा ही अलग है। हाँ सुना, कैसा लग रहा है थार? मजा आ रहा है, काश ऑटोमेटिक होती मैं भी चला पाता। दिग्विजय भैया का फोन आ गया था, उन्होंने देखा भैया उठो चलो कहीं चलना। हाँ तो इरिटेट कर ले, अभी आप मुझे रास्ता बताओगे ना? आपको कैसे, आपकी नींद कैसे खुल गई इतनी सुबह सुबह? जी हमारा जो डेस्टिनेशन है कुड़ी, KUDHI, कुरी, तो वो है 45 किलोमीटर। और हम सुबह सुबह भगा इसलिए रहे क्योंकि हमें वहाँ पे देखना है सनराइज। हाँ, टाइम फिलहाल 6:11, 6:40 का सनराइज है ना। हाँ, पहुँच जाएंगे सनराइज से पहले अपन ना।
थार को चला के 110-120 में मजा आ रहा है यार। बहुत ही स्टेबल लग रही है, स्वाति पीछे बैठी है और क्योंकि सॉफ्ट टॉप है तो बाहर की आवाज आपको आ रही होगी। इस पर्टिकुलर जगह के बारे में बहुत लोग जानते नहीं है। ओ गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। फोन गिर गया। तो अचानक से ना कोई जानवर वगैरह निकलते रहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है। बाकी मैं बता रहा था इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये डेजर्ट नेशनल पार्क डीएनपी के अंदर है, डेजर्ट नेशनल पार्क। ओके, तो जगह बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। बाकी अभी गाय वाय को थोड़ा देख के चलते हैं क्योंकि भाई गाय कहीं से भी निकलती है और हमें ही बचाना है। अब ये जो पूरा रास्ता है ये ऐसा रोड है और पूरा इंटायर 45 किलोमीटर आपको बहुत कम गाड़ियां दिखती है। जो आपको दिखते हैं वो सिर्फ जानवर दिखते हैं, तो वो थोड़ा देख के चलाना है कि जानवर इधर उधर से रोड ना क्रॉस कर रहे हो। अदरवाइज ये जगह बहुत ही अमेजिंग है यार। मतलब दोनों साइड पूरा खुला मैदान है, बीच में एक मस्त सी रोड है और टर्मैक है, कोई टेंशन नहीं है रोड में। कार को भी स्पीड से चलाने का ना अलग मजा यार। और आज तो मौसम कसम से भाई कतई जहर हो रखा है। अब क्योंकि सॉफ्ट टॉप है तो बहुत ज्यादा शोर आता है अंदर, बट यार सीरियसली मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, सीरियसली मजा आ रहा है। हम पहुंच गए। ओके, सो ऑलमोस्ट 6:40 का सनराइज था, 6:37 पे खुड़ी विलेज में एंटर किया। अब हमें कहाँ जाना है? ड्यून्स पर। अच्छा, सैंड ड्यून्स पे। अच्छा, तभी हम थार लेके आए ना। तो जी अब हम जा रहे हैं ड्यून्स की तरफ और क्योंकि थार है तो कोई टेंशन नहीं है, सैंड ड्यून्स में भी फोर लो लगा के आराम से निकल जाएगी। वैसे तो अभी टू हाई में ही चल रहे हैं और रास्ते तो खतरनाक ही है यार। मज़ेदार, मतलब सुबह सुबह उठ के गाड़ी चलवा लो, जितनी गाड़ी मैंने उतनी चलवा लो, मज़ा आया ना। बहुत फास्ट आए हम 140 तक ले गया मैं इसको, 120 से ऊपर जाके बजने लगती है। मतलब यहाँ पे एक बीप है जो 120 के ऊपर आपको वार्न करता है। अब क्योंकि हम ड्यून्स पे ऊपर चढ़ाने वाले तो हवा चेक कर रहे हैं। हवा तो ठीक कम है, मतलब कम करनी पड़ेगी क्या? तो हवा थोड़ी थोड़ी कम कर देते हैं। ये है जी फुल मजा। और यहाँ पे यूज हो रहा है 4x4। जो ट्रैक्स दिख रहे हैं ना, हाँ, उसी को फॉलो करना है। बस किधर? ऊपर ऊपर पेड़ के पास। हाँ, पेड़ के पास। ब्यूटीफुल। थार का तो अलग मजा आ रहा है ना। नहीं, अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। अरे सी तुम बहुत आराम से चल रहा हूँ मैं। अब ये देखो, ये हमने रूफ खोल दिया। हाँ, ये एक्चुअल फन है ना, ये एक्चुअल फन है। क्या सुंदर लग रहा है ना। मतलब थैंक यू फॉर, मतलब सुबह सुबह उठाने के लिए, नहीं तो हम तो नहीं उठ पाते। और यहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं है। मस्त हवा चल रही है भाई, मतलब जन्नत, सीरियसली जन्नत। हाँ, मजा आ रहा है ना। क्योंकि ये मजा ना सिर्फ थार से ही आ सकता है। और जी ये जो मजा है मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। गाड़ी हमने वहां पे खड़ी की है और नीचे एकदम डीप है, तो एक दो बार तो हम ऐसे उतार चुके हैं बट मजा आ रहा है। आई नो यहाँ पे विंड नॉइज बहुत है बिकॉज क्या करें यार, नॉर्मल कैमरा लेके आए और यहाँ पे आ गए और यहाँ विंड है तो है। और एक्चुअली डेप्थ का पता ना यहाँ से चलता है, जहाँ पे हमने खड़ी की है और उसके बाद जो डेप्थ है काफी काफी ज्यादा है।
So guys, before we proceed further in this video, let me inform you about Budmo.com. So Budmo.com is the biggest spare part expert in India. इनके पास छोटी से छोटी से बड़ी गाड़ी का spare part available होता है. बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे जो spare part अपनी गाड़ी के लिए चाहिए वो service center या local mechanic shop पे available नहीं रहता है. तो उस case में मैं Budmo के site पे जाके अपनी गाड़ी का model और make select करके वो spare part अपने घर पे delivery मंगा सकता हूँ. Budmo पे मुझे different component manufacturers के option मिल जाते हैं और ये option मिलने से मेरी प्राइसिंग में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. सो मैं अपने हिसाब से अपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को सेलेक्ट कर सकता हूं और वो प्राइसिंग चेक करके वो पार्ट अपने घर पे मंगा सकता हूं. एक बार वहां से पार्ट ऑर्डर करने के बाद जब पार्ट मेरे घर पे आता है और मुझे समझ में नहीं आता है तो दे हैव अ 10 डेज एश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी जहां पे 10 दिन के अंदर मैं वो पार्ट रिटर्न कर सकता हूं. सो Budmo.com iOS और Android दोनों के लिए अवेलेबल है. मैं Budmo का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. गो चेक इट आउट. चलो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को. दिग्विजय भाई ये निकल जाएगी, कोई इशू नहीं है. नेटवर्क आ रहा है. लोग नहीं है, वो चिंता नहीं है. बेस्ट पार्ट है कि लोग नहीं है, इसलिए तो आए यहाँ पे ना. पता क्या मोमेंटम के साथ आते हैं ना, अरे 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 ऐसे करके ना. अब इसमें भी मेरे को बदनाम कर दो तुम. हाँ तो हम तो भाई यहाँ जूते वूते खोल के तो वेट कर रहे हैं. हम तो चिल हम यहाँ आए क्यों थे, थार फंसाने ना. हम यहाँ थार फंसाने आए थे सीरियसली. और सामने सनराइज होता हुआ. हाँ बहुत ही सुंदर है ना, बहुत सुंदर है ये जगह. एंड द बेस्ट पार्ट इसके ना यहाँ पे कोई नहीं है. और सैम की तरह ना, सैम सैंड्यून्स की तरह ना, यह कमर्शलाइज नहीं है. किसी को पता भी नहीं है इस जगह के बारे में. एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, वो तो दिग्विजय भाई थे तो वो ले गए. ये तो अलग ही, देखना ध्यान से ना. हमारी रेस्क्यू टीम आ गई है लेकिन वो बाइक से आए. तो तुम जल्दी आओ, रेस्क्यू टीम का तो करना है. हाँ अरे धीरे धीरे आना, गिरना मत ऐसे. अरे इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ. आपकी वीडियो मिस हो गई मेरे से ना, जब आपने बाइक कुदाई थी. अपन वापस बनाएंगे तो वापस आना. पुसो ना, मिट्टी उड़ानी है, मिट्टी मस वाले. अरे पूरा इनको दोनों को नहला दो मस वाला, ठीक है. हाँ रेत स्नान कराओ बढ़िया वाला, मजा आएगा. मैं वीडियो बना रहा हूँ मस वाला.
इतनी मिट्टी, इतनी मिट्टी भाई साहब, पूरा मिट्टी में नहा, हाँ दिखाओ, पूरा चेहरा मिट्टी मिट्टी भर गया है। तो अब यहाँ से निकालते हैं और उधर जाते हैं। वो तो इधर से गए। गजब बाइक लेके घुस गए। अरे मैं देख, आपने मेरे को डरा दे। अरे गाड़ी अभी ऐसी है, मैं नीचे देखो पकड़ के बैठना, मजाक नहीं, सीरियसली अगर टॉपल होती है ना तो सिर पे चोट आएगी। सीट बेल्ट बांध लो, आज तो कुछ और ही करेंगे।